आईपीएल 2022 में दो नई फ्रेंचाइजी टीमों को बीसीसीआई ने दिया ग्रीन सिग्नल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की गवर्निंग बॉडी ने अहमदाबाद में हो रही एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में दो नई फ्रेंचाइजी टीमों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस तरह से आईपीएल 2022 आठ नहीं बल्कि 10 फ्रेंचाइजी टीमों के बीच खेला जाएगा। वहीं 2028 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कुछ स्पष्टीकरण के बाद बीसीसीआई क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल करने की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कवायद का समर्थन करेगा। बीसीसीआई सभी फर्स्ट क्लास क्रिकेटरों को कोरोना महामारी के कारण घरेलू स्तर सीमित रहने की उचित भरपाई भी देगा। बीसीसीआई कई महीनों के विलंब के बाद जनवरी में सैयद मुश्ताक अली टी20 चैंपियनशिप के साथ घरेलू सीजन भी शुरू करने का प्लान बना रहा है। अन्य फैसलों में कांग्रेस के अनुभवी नेता राजीव शुक्ला को उत्तराखंड के माहिम वर्मा की जगह औपचारिक रूप से बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी पता चला है कि आम सभा ने आईसीसी बोर्ड में सौरव गांगुली के निदेशक के रूप में बरकरार रहने के पक्ष में फैसला किया है। सचिव जय शाह वैकल्पिक निदेशक और वैश्विक संस्था के मुख्य कार्यकारियों की समिति में भारत के प्रतिनिधि होंगे।